कड़क खबरें देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीरू यादव। शुरुआत करेंगे अलीराजपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां जोबट से कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि विधायक के बेटे पुष्पराज सिंह उर्फ भैयू पर एक युवती को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। नगर पालिका की पूर्व सीएमओ की बेटी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का इस पर आरोप लगा है। पुष्पराज सिंह पर युवती की दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी परेशान करने का आरोप लगा। आरोपी पुष्पराज पर युवती के मंगेतर और परिजनों को धमकी देकर सगाई तुड़वाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने कई विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी अलीराजपुर से, जहां जोबट से कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक के बेटे पुष्पराज सिंह उर्फ भैयू पर युवती को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। नगर पालिका की पूर्व सीएमओ की बेटी को प्रताड़ित करने का यह आरोप लगा है और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी इन पर आरोप लगा है। ये पूरा मामला पुष्पराज सिंह पर युवती की दूसरी सगाई होने के बाद भी परेशान करने के आरोप के चलते सामने आया। दरअसल आरोपी पुष्पराज पर युवती के मंगेतर और परिजनों को धमकी देकर सगाई तोड़वाने का भी आरोप लगाया गया था और पुलिस ने कई विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। ये कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पर दर्ज हुई एफआईआर का मामला है, जिसमें उस पर एक युवती को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का ये मामला पूर्व सीएमओ की बेटी को प्रताड़ित करने का इस पर आरोप है, तो युवती के मंगेतर और परिजनों को धमकी देने का भी इस पर आरोप है कि सगाई तुड़वाई जाए, इसके लिए दबाव डाला जा रहा था और इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है सेना पटेल के बेटे पुष्पराज पटेल पर, जिसे भैयू भी कहा जाता है। और अभी युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के और साथ ही धमकी देने के तहत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस अभी जांच पड़ताल भी कर रही है और अभी तक इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी की भी कोई संभावना है इसमें और क्या आगे एक्शन लिया जा सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है और जांच पड़ताल इस संबंध में की जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अभी किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें? निश्चित तौर पर देखिए, बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है और अपने आप में काफी संवेदनशील ये जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आया है। अलीराजपुर के का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है और कांग्रेस के जो विधायक हैं सेना पटेल, उनके बेटे के खिलाफ युवती और उसके परिजनों को प्रताड़ित करने का जो गंभीर आरोप है वो लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी राजनीतिक इन्फ्लुएंस से कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुलिस कह रही है कि हम इस चीज को पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम करेंगे, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रताड़ित करना, ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में काफी गंभीर विषय हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जो फरियादी पक्ष है वो भी अपनी बात पुलिस के सामने रख रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उनके बयान भी लगातार जो है पुलिस की ओर से दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है कांग्रेस की ओर से, जहां अपने विधायक के बेटे को लेकर जांच की बात सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जहां कांग्रेस एक और महिला बचाओ की बात करती है, महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, महिलाओं के विकास की बात करती है, मध्यप्रदेश में लगातार कानून से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का काम करती है, लेकिन अपने घर में नहीं देख रही है कि किस तरीके की स्थितियां चल रही हैं। उनके ही नेता जो है वो महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल वासु, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कटनी से एक अहम खबर मिल रही है। कटनी में मार्बल खदान में स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल हादसे में दो लोग घायल हुए बताया जा रहा है, उन घायलों को इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया और सलीमानाबाद थाना क्षेत्र के निमास का ये पूरा मामला है। घायलों का इलाज जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जारी है, तो घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कार्रवाई इस पूरे मामले में अब क्या की जाएगी ये भी देखने का विषय, चूंकि ये खदान में स्लैब गिर गया था जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को इलाज के लिए जबलपुर भेज दिया गया है। इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के निमास का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां घायलों का जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज जारी है और इस दौरान मार्बल खदान में स्लैब गिरने से एक युवक की मौत की भी जानकारी मिल रही है।
पुलिस मौके पर पहुंची है। कैसे ये हादसा हुआ है, क्या कोई लापरवाही हुई है, पूरे मामलों की जांच में जुट गई है। दो लोगों को इलाज के लिए जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मार्बल की खदान है जहां पर स्लैब गिरने की वजह से दो लोग घायल हुए हैं और एक की जान चली गई है। और ये देखिए, ये वही मार्बल खदान जहां पर ये हादसा हुआ है, ये घटना हुई है और इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, क्या कोई लापरवाही हुई है या कोई हादसा हुआ है जिस वजह से दो लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया, एक युवक की मौत की भी जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए अपने आप में काफी ये गंभीर जो हादसा है वो पेश आया है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुड़ी हुई है, तफ्तीश में जुड़ी हुई है। कैसे ये हादसा हुआ, किसी की लापरवाही बरतने से हुआ है या फिर अन्य कोई वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन घायलों का इलाज सुनिश्चित हो सके इसको लेकर जिला प्रशासन को जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पूरे हादसा होने के बाद मौके पर भी पहुंचे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत भी की और उसके बाद जो फर्स्ट एड जल्द से जल्द दिया जा सकता था वो देने की कोशिश की गई। हालांकि एक व्यक्ति की मौत की खबर भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, जो अपने आप में दुखद है और इस तरीके के हादसे बार बार ना हो इसको लेकर बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। तमाम गाइडलाइंस होती हैं, तमाम SOPs होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो घटना है वो आए दिन सामने आती रहती है। इनकी रोकथाम के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी, स्वाभाविक है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही का भी मामला है। सुरक्षा के जो उपकरण हैं, सुरक्षा के जो नियम हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही बरती गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी खदान की तस्वीरें बताई जा रही हैं जहाँ पर भारी भरकम मार्बल के स्लैब्स काटकर उन्हें भेजा जाता है और ऐसे में स्लैब की कटाई के दौरान यह हादसा हुआ और एक बड़ा स्लैब मजदूरों पर गिरा जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। और बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर में SECL के सुरक्षा कर्मचारियों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा और चोरी का आरोप लगाकर इसे बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 सुरक्षा कर्मियों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। भटगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर सूरजपुर के SECL के सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी है। दरअसल युवक पर चोरी का आरोप लगाकर युवक को पीटा गया और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 सुरक्षा कर्मियों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। भटगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम और ये देखिए कुछ खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त सुरक्षा कर्मी इस युवक की पिटाई कर रहे थे, लात घूसों से लाठी डंडों से पीटा जा रहा था और एक साथ 3-4 लोग लगातार मारपीट कर रहे थे। दरअसल इस युवक पर चोरी का आरोप लगाकर ये पिटाई की गई है। वीडियो सामने आने के बाद, शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और 3 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसके बाद सवेरी ऑफिस ले गए और उसके बाद मेरे को ले जाकर बहुत मारे, बोलते कि चोरी किया है, उसको कबूल तू, उसको नहीं कबूला तो मेरे को टॉर्चर कर रहे थे और मार पीट रहे थे 6-7 महीने चोरी के मामला को। कौन सवेरिया का मामला है? सवेरिया ऑफिस में ले जाके मारे 2 दिन पहले कर। तभी आप थाने में शिकायत किए है? अभी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वरुण जुड़ गए। वरुण, चोरी के शक में युवक कितनी बुरी तरीके से उसे पीटा गया कि उसे लहूलुहान कर दिया गया? जी देखिए, ये जो सबसे पहले बता दूं कि सुरक्षा कर्मी जो SECL कोल माइन से, वहाँ के सुरक्षा कर्मी आए दिन वहाँ चोरी की वारदातें होती है और हमेशा जो आरोप लगते सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी भूमिका संदिग्ध होने का आरोप लगते रहते हैं। और ऐसे में जब ये युवक की जो वीडियो सामने आई कि युवक जो पीड़ित युवक है उसको ले जाया गया, उस चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई, बेदम पिटाई की वीडियो भी सामने आया, लेकिन जो पीड़ित युवक है जब उसे उठाया गया तो उसके खिलाफ ना तो थाने में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा शिकायत किया गया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। और जब वीडियो ये सामने आया उसके बाद पीड़ित युवक के परिजनों को पता चला और परिजनों ने जब थाने ले जाकर इसे शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल गंभीरता से मामले में 3 सुरक्षाकर्मी और एक जो सिविलियन थे उसके खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ कुल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वरुण।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में रेंजर और आरा मशीन संचालक के बीच विवाद हो गया और इसके बाद यहां जमकर हंगामा हुआ। सागौन तस्कर ने वन विभाग पर दिखाया रौब, मशीन संचालक ने मारपीट कर फाड़ी वर्दी, वन विभाग ने किया पुलिस के हवाले। दरअसल बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई, वन विभाग के उड़न दस्ते से विवाद हुआ था और उसके बाद एक्शन लिया गया और काफी मात्रा में सागौन की लकड़ी यहां पर जब्त की गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में वन विभाग के रेंजर और तस्कर के बीच यहां हाथापाई हो गई और कोई और रास्ता बचने का ना देखते हुए वन विभाग का तस्कर वहां पहुंचे, रेंजर्स के साथ ही भिड़ गया। और देखिए किस तरह से आक्रामक तरीके से जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसे गुस्सा आ गया। और इस तरह की जो घटना है ये यहाँ कोई पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कि सागौन की प्रतिबंधित लकड़ी जिसका कि कटाई करना अभी प्रतिबंधित है, जंगल में जाकर किसी भी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध के दायरे में आता है। ऐसे में एक अपराधी आरक्षक से ही भिड़ गया और उसका कॉलर पकड़ लिया, उसकी वर्दी को फाड़ दिया और काफ़ी देर तक वहाँ गुत्थम गुत्था चलती रही। और ये तस्वीरें इस वक्त दो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी के बरामदगी का ये मामला और दूसरी तरफ किस तरह से आरक्षकों से ही वो भिड़ा हुआ है। सिंगरौली में पार्षद प्रतिनिधि पर एएसआई भड़क गए, तैश में आकर एएसआई ने अपनी वर्दी उतार दी। दरअसल पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता पर भड़के एएसआई और पार्षद प्रतिनिधि ने वर्दी उतरवाने की जब धमकी दी तो उन्होंने खुद ही ये वर्दी उतार दी। सिटी कोतवाली बैढ़न थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और नाली और सड़क निर्माण को लेकर यहाँ विवाद चल रहा था। इस दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली जहां पर वर्दी उतरवा देने की धमकी देने वाले आरोपी को भी आप देख सकते हैं और वो शख्स जिसकी वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही थी उसने खुद ही वर्दी उतार कर वहां रख दी। और जब उसे धमकी दी गई कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा तो उसने खुद ही वर्दी उतार कर दे दी और इस पूरे मामले में विवाद और बढ़ गया क्योंकि जिस तरह की ये गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, क्योंकि सड़क निर्माण और नाली के निर्माण को लेकर शिकायत थी और इसके संबंध में जब बातचीत हो रही थी तो एएसआई पार्षद प्रतिनिधि पर भड़क गए। तो सिंगरौली के सिटी कोतवाली का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। आप ये देखिए वहां पर महिलाएं भी मौके पर मौजूद हैं और ये जो बैठक थी और इसमें कई लोग भी मौजूद थे और इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि की धमकी और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने खुद ही वर्दी उतार दी तैश में आके और काफी हंगामा यहाँ पर बरपा और सिटी कोतवाली बैढ़न थाने का ये पूरा मामला अब वीडियो सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। और विदिशा में प्राचार्य के पैर दबाने का एक मामला सामने आया। दरअसल लटेरी मॉडल स्कूल की प्राचार्य का ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल प्राचार्य के पैर दबाते नजर आ रही है महिला, जहां महिला प्रिंसिपल का पैर दबा रही महिला, जिम्मेदारों ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और ये देखिए ये जो वीडियो सामने आया, दरअसल यहाँ पर ये जानकारी है कि जो प्रिंसिपल है उनके पैर, ये जो महिला सफाई कर्मी है यहाँ पर सफाई का काम करती है और ये पैर दबाती हुई नजर आई है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब इस पर एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। महिला प्रिंसिपल का पैर दबाते हुए ये वीडियो सामने आने के बाद अब ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद एक्शन की बात भी कही जा रही है। अंबिकापुर में धर्म विशेष के युवकों ने रैली निकाली और इस दौरान ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वाहन के दरवाजों के बाहर लोग खड़े थे और तेज रफ्तार में गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आई और इस दौरान लोगों ने न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि यहां एक विशेष समुदाय का झंडा लेकर रैली निकाली गई। और देखिए किस तरह से गाड़ियों की खिड़कियों से दरवाजों से लटकते हुए लोग भी नजर आए और ये रैली, इसकी परमिशन आखिर किसने दी थी ये भी एक अहम सवाल है और यदि परमिशन नहीं दी थी तो ऐसी रैली कैसे निकाली गई ये भी एक सवाल है। और सवाल एक ये भी कि आखिर अगर परमिशन दी गई थी तो क्या इस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का इनके पास कोई परमिशन थी या नहीं। हालांकि सड़क पर इस तरह रैली निकालना, यातायात नियमों का पालन न करना वो भी
ट्रैफिक वाले रूट पर आप देखिए, वहाँ सिग्नल भी नज़र आ रहा है और सिग्नल पर खुले रोड पर जहाँ सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, उस ट्रैफिक के बीच रैलियों की ये गाड़ियाँ लेकर पहुँचना। और इसके अलावा आप देखिए किस तरह से दरवाज़ों के बाहर लोग लटके हुए हैं। अगर इससे कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो परमिशन देने वाला विभाग या फिर बिना परमिशन के रैली करने वाले ये लोग? इस सब पूरे मामले की जांच की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक नियमों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ट्रैफिक नियमों के प्रति इनकी कोई सजगता, कोई जवाबदेही नहीं है। और बढ़ते आगे, रायसेन में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां जबलपुर की रहने वाली इस महिला के साथ गैंगरेप किया गया। खेत में मजदूरी करती है महिला, खेत मालिकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। 26 जुलाई को जबलपुर में दर्ज हुई थी 0 FIR। अब रायसेन पुलिस कर रही है मामले की जांच। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ी खबर रायसेन से, जहां महिला से गैंगरेप का मामला है। जबलपुर की रहने वाली महिला बताई गई है और खेत में मजदूरी करती है महिला, खेत मालिकों पर ही गैंगरेप का आरोप लगा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया। पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि उसके साथ रायसेन में दुष्कर्म की घटना हुई है, लिहाजा चूंकि घटना रायसेन जिले की थी, अतः जीरो पे नालसी लेकर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम जांच विवेचना हेतु डायरी रायसेन जिला भेजी गई। छत्तीसगढ़ को मिलेगी एक और वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी आज दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें राज्यपाल, सांसद और विधायक सभी मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को रवाना करेंगे और इस ट्रेन के शुरू होने से निश्चित रूप से यह रेल यात्रियों को तो लाभ मिलेगा ही, और लगातार यात्रा करने वालों को एक निश्चित समयांतराल पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प होगा। दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए ये ट्रेन चलेगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में एक्सपो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो का शुभारंभ। बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो का शुभारंभ। और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। वहां फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर एक बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। दरअसल इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास ये फायरिंग हुई और जिस वक्त ये फायरिंग की घटना हुई उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस इस घटना की जांच में जुट गई है। सीक्रेट सर्विस, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा एजेंसी कही जाती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में ये सर्विस मौजूद रहती है और इस सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी में एक नहीं दो बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। ये पहली बार जब उन पर हमला करने वाले आरोपी को हालांकि बाद में पकड़ लिया गया था, और इसके बाद एक और हमले की बात सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस बार डिबेट में भी अच्छा उनका सपोर्ट लोगों ने किया, और इस बार का चुनाव किस ओर जाएगा ये तो बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले दो बार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमलों से साफ जाहिर है, क्या ये सीक्रेट सर्विस का फेलियर है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है? और इस तरह से अमेरिका जैसे पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह से एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट पर दो बार हमलों का होना निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर कही जाने वाली देश में अगर उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कैंडिडेट पर हमला होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब वापस लौटते हैं जबलपुर की ओर, जहां पोहे में जिंदा कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। मैगी में पहले कीड़ा निकला था और अब
पोहा में भी जिंदा कीड़े रेंगते नजर आए। पोहे के पैकेट से निकले कीड़े जहां उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई गई शिकायत, 6 महीने आगे की है एक्सपायरी की डेट। कटंगी में पहले भी मैगी में निकल चुके हैं कीड़े और एक बार फिर से पोहे के पैकेट में भी कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। और आप ये देखिए, जो पैकेट वाली वस्तुएं होती हैं, अब खाद्य सामग्री होती है, अब उसमें भी अगर कीड़े मिल रहे हैं तो सुरक्षा के मानक कितने होंगे, स्वास्थ्य को लेकर कई सारे गंभीर सवाल, क्योंकि पहले मैगी के पैकेट में कीड़े मिले और अब पोहे के पैकेट में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत कर दी गई उपभोक्ता फोरम में और अब मामले की जांच की जा रही है। और ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पोहे में छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो रोंगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मैगी में भी इसी तरह के कीड़े पाए गए थे। जबलपुर का ये दोनों घटनाक्रम था।